अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, बाद होंगे। जी जी, सुबह सुबह का टाइम था और मैंने धोने थे आज कपड़े, और मैंने कहा आज कपड़े हम धो लेते हैं और सफाई वगैरह। मैंने झाड़ू लगाया था और फिर मैंने बनाई निहारी। आज निहारी बनाने का दिल कर रहा था, चिकन वगैरह मैंने धो लिया था, और दही में जो है मैंने मसाले वगैरह, लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी वगैरह और नमक और निहारी मसाला डाल दिया था, और प्याज ब्राउन हो रहे थे। और फिर जी ये निहारी हमारी बन के तैयार हो गई थी, और बहुत ही मज़ेदार और यमी सी बनी थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मज़े की बनेगी। और फिर जी मैंने नान वगैरह मंगवाए थे, फ्रूट भी मंगवाया था, और यहाँ पे हम ख़त्म दिला रहे ख़त्म वगैरह दे लिया था, और बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे, और बच्चों को भी छुट्टी होने वाली थी स्कूल से। और मैंने कहा फिर आते हैं तो मिल के फिर बैठ के खाना खाते हैं। और फिर जी शाम का टाइम हो गया था, और बेटी ने मंगवाया था अपने लिए गोला, और गोला जो है ये बहुत ही मज़ेदार होता है, और इसमें क्रीम भी डाली होती है। और ज़्यादा पैसे वाला हो तो फिर उसमें ज़्यादा चॉकलेटें वगैरह डाल देते हैं। और जी मुरुंडा भी साथ आया था, मुरुंडे के बगैर हमारे घर में गुजारा नहीं होता, इसलिए मुरुंडा मंगवा। अगला दिन जी ये शुरू हो गया था, दोपहर का टाइम था, और मैं दिल नहीं कर रहा था कुछ बनाने को, तो मैंने कहा चटनी बना के साथ में पराठे बना के खा लेते हैं। और चटनी बहुत, ये मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट आया था, और आया पंजाब से था, और माशाल्लाह से ये आया थी पंखी भी बोलते हैं और पंखा भी बोलते हैं, हाथ वाला पंखा था, और बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।